इसमें हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो चीज है पशु कुमार पति कुमार पारस एक घिसे हुए नेता है, मजे हुए हैं, वो एक गरीबी देखे हुए हैं, गरीबी से उठे हुए हैं। और रामविलास जी के बेटा वो गरीबी नहीं देखे हैं, जो गरीबी पशुपति कुमार पारस देखे हैं वो गरीबी वो नहीं देखे हैं, वो नहीं देखे हैं, वो नहीं देखे हैं। वो गरीबी पकता हुआ आम है। अच्छा, सब लोग अड़ जाएंगे। बिल्कुल, मतलब कब पका हुआ आम गिर जाता है ना, कहा कह रहे थे। बिल्कुल वही बोलेगा, हम लोग हत्या नहीं करना चाहे, खुद रिजन देंगे। अरे अरे, चिराग को तो फिर अब कैसे जलेगा? चिराग एकदम जला हुआ है, एकदम नहीं, आग लग गया, एकदम आग लगा लेकिन चिराग बुझा नहीं है। चिराग आसान के साथ है। पक्का पक्का, चिराग को तो छोड़ दिया, चाचा छोड़ दिया आपका, चाचा छोड़ दिया ना, चाचा जी माला पहनने के लिए तैयार रहे, जूता का, जूता का, जूता से, जूता से माला पहनाएंगे उनको। क्या बात बोल रहे हैं, बिल्कुल उनको तो हार जीत का माला पहना रहे हैं, मंत्री बनेंगे कुछ देर में। पशुपति पारस कभी जिंदगी में नहीं मंत्री बन सकता है सेंट्रल में, लिख लीजिए आज। ऐसा नौकर से उसको ऊपर उठा दिया गया है, फिर नौकर को नौकर में, नाली का कीड़ा रह चुका है और नाली का कीड़ा रहेगा, समझे? चाचा नहीं है, चाचा तो गद्दार निकल गया। अच्छा। जिसको बेटा के जैसा पाल पोस के बड़ा किया, वो आज है जो कि क्या बोलते हैं, बेटा के काबिल भी नहीं रहा। आइए इधर आइए, आप भी चाहे बॉडीगार्ड हो या जो भी हो, जितना भी सेफ्टी लेना ले लीजिए, जूता का माला पहनेंगे, पहना दीजिए देखिए ना।